वंशी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर हालत को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन उत्पादन में भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, तो फिर यहाँ इसकी कमी क्यों है। उन्होंने सरकार पर हमला साधते हुए कहा कि सरकार के पास समय था लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं किया गया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार चुनाव में व्यस्त है, बेड और कोरोना वैक्सीन को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सुनिए क्या कुछ कहा। डॉक्टर्स, नर्स, देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? देश, हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इंडियाज प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड, 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से।